हाय गाइस, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। अगर आप बहुत निराश हो, नवंबर 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अभी मई 22 में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आपके मन में सवाल है कि सर अकाउंट्स को, एडवांस अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और सभी कॉल में एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि सर कैसे प्रिपेयर करूँ अकाउंट्स को, एडवांस अकाउंट्स को, ताकि मेरे मार्क्स अच्छे आए। आप ये वीडियो पूरा देखना, मैं कोशिश करूंगा कि आपका बहुत ही कम समय लूं और कम समय में मैं आपको बहुत सारी चीजें गाइड करके दूं, ताकि आप मिनिमम 75 मार्क्स अचीव कर सको अकाउंट्स में और एडवांस अकाउंट्स। नवंबर 22 के लिए प्लान कर रहे हो या फिर जो भी अटेम्प्ट के लिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये वीडियो सिर्फ नवंबर 22 के लिए है, कोई भी अटेम्प्ट के लिए प्लान कर रहे हो, चाहे आप पहली बार एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप रिपीटर हो, आपका रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया पिछली बार, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। और मेरे जितने भी रिकमेंडेशन हैं, अगर आप वो मान लोगे तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं आपके 75 मार्क्स मिनिमम आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहली चीज ये गांठ बांध लो अपने दिमाग में कि आईसीएआई का मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो मैंने सबसे पहली जो आपको सजेशन देने की कोशिश की है वो ये कि आप आईसीएआई का मटेरियल बिल्कुल मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने किसी फैकल्टी की बुक्स को रेफर कर रहे हो, अगर आप किसी फैकल्टी के नोट्स को रेफर कर रहे हो और आपको पता है कि उसमें 100% आईसीआई का मटेरियल कवर है, तो गो ऑन। बट अगर उस मटेरियल में 100% किसी फैकल्टी के नोट्स में 100% क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन, टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चन आईसीआई के 100% कवर नहीं है, तो आप अलग से आईसीआई के मटेरियल के बचे हुए क्वेश्चन जरूर करें। कवर फुल आईसीआई मटेरियल, सारे इलस्ट्रेशन, सारे टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चन, डोंट लीव एनीथिंग, कुछ मत छोड़। आईसीआई का मटेरियल पूरा का पूरा घोट के पी जाओ, पूरा का पूरा घोट के पी जाओ, गीता बाइबल समझ के। मैं आपको सच्ची बोल रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है मेरा। और मैं आपको बताऊं, आप जितने भी रैंकर्स को सुनोगे, सभी आपको रैंकर्स एक चीज कॉमन बोलेंगे कि आईसीआई का मटेरियल पूरा करना चाहिए। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि कुछ मत छोड़ के जाओ, आईसीआई का मटेरियल 100% करके जाओ। आप सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करो। आईसीआई के टोटल मटेरियल में जितने इलस्ट्रेशन, टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चन हैं, सपोज मिलके 700 क्वेश्चन होंगे, 700 में से 700 के 700 क्वेश्चन आपकी आंखों की नजरों से निकलने चाहिए और उनमें से मिनिमम 400 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी की राइटिंग प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला तो कम से कम आपने टिक लगा के ऑडिट ऑडिट करके देखा, कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखा। बट मिनिमम अगर 700 क्वेश्चन है तो मिनिमम 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले आईसीआई मटेरियल फुल कवर। अब सारे के सारे आरटीपीस, एमटीपीस, पास्ट एग्जाम पेपर्स राइट फ्रॉम मई 2018 अटेम्प्ट, मई 2018 अटेम्प्ट से लेकर अभी तक जितने अटेम्प्ट हो चुके हैं, उन अटेम्प्ट में जितनी बार आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर्स आए हैं, आप सब करो, सब। कई बार आपको फील आएगा, अरे यार सर रिपीटेटिव क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस लगाने की जरूरत है। आपने एक क्वेश्चन किया, अगली बार सेम क्वेश्चन फिर से आरटीपी, एमटीपी में फिर से फॉल आ गया, अरे कोई बात नहीं सर ये तो कर लिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस लगाओ, पर कंप्लीट आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम पेपर्स कंप्लीट करके जाओ, कंप्लीट करके जाओ। कहां से कर सकते हो? या तो आप आईसीआई के वेबसाइट पे जाके सारे ये सारे मटेरियल को डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये सब काम बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप मेरा क्वेश्चन बैंक कंपाइलर रिफर कर सकते हो। अकाउंट्स में भी मेरा क्वेश्चन बैंक कंपाइलर है और एडवांस अकाउंट्स में भी है। क्वेश्चन बैंक कंपाइलर के अंदर सारे आरटीपी क्वेश्चन, एमटीपी क्वेश्चन और पास एग्जाम क्वेश्चन मेरे कवर होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, जैसे जैसे सपोज ये S10 है तो मैंने सबसे पहले आरटीपी क्वेश्चंस कवर किए, फिर उसके बाद नीचे पूरे आरटीपी क्वेश्चंस कवर होने के बाद फिर एमटीपी क्वेश्चंस कवर किए विद सॉल्यूशंस है, और उसके बाद पास एग्जाम पेपर क्वेश्चंस कवर किए। तो कुल मिला के ये दोनों पॉइंट्स को कंबाइनली देखोगे तो मैंने आईसीआई के मटेरियल को इंपॉर्टेंस दिया। घोट के पी जाओ बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स चाहिए, आप आईसीआई का मटेरियल आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम पेपर घोट के पी जाओ। एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको याद आना चाहिए फिंगर टिप्स पे, हाँ यार ये क्वेश्चन तो मैंने किया था, मुझे पता है, सिर्फ फिगर चेंज है यार, ठीक है। तीसरी चीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसा कि आपको पता है, और नहीं पता है तो मैं बता दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 25 से 30 मार्क्स के आते हैं, 25 से 35 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं ग्रुप 1 अकाउंट्स में और ग्रुप 2 अकाउंट्स में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मोस्टली क्या होता है, जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो तो बच्चों को अच्छे लगते हैं क्योंकि सर उसमें सॉल्यूशन करना होता है, पर जो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे कि AS4, AS5, AS29, AS26, AS18, AS17, AS24, कई सारे थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, AS9,
AS1 थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ तो लेते हैं, समझ में सब कुछ आ जाता है, बट उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में जान जाती है, लिटरली जान जाती है। उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की राइटिंग प्रैक्टिस करो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जो तुम्हारे नजरों से नहीं निकला। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मैं आपको बता रहा हूं, आपको AS12 गवर्नमेंट ग्रांट में दिक्कत नहीं आती होगी, आपको थोड़ा बहुत AS10 AS2 में भी दिक्कत नहीं आती होगी, AS11 भी नहीं आती होगी, क्योंकि आप उसमें प्रैक्टिस कर लेते होगे। बट जहां पर बात आती है थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, आपके आप अंदर ही अंदर आप जानते होगे, मुझे कमेंट करके बताना मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, अंदर ही अंदर आपको एक हल्का सा मन में डाउट लगता है, कैसे लिखना है यार, समझ नहीं आ रहा। उसके आंसर्स भी घोट के पी जाओ, उसके आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस करो। पहली बार आपने वो देखा, आंसर देखा, ठीक है, आप उसको राइटिंग अपनी लैंग्वेज में राइटिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे मैं आपको बोलूंगा, ठीक है ना। चौथी भी चीज, रिविजन कितनी बार होनी चाहिए, मिनिमम 2 बार रिविजन होनी चाहिए, मिनिमम 2 बार। अच्छे मार्क्स चाहिए, 75 मार्क्स या उससे ज्यादा चाहिए, मिनिमम 2 बार रिविजन चाहिए पर सब्जेक्ट की। पहला रिविजन जो करोगे मिनिमम 7 डेज तुम्हें देने चाहिए, मैं मान के चल रहा हूं कि 8 घंटे इन अ डे, 8 आवर्स इन अ डे। अब तुम अगर अकाउंट्स को सिर्फ 4 घंटे देना चाहते हो तो फिर ये 7 डेज के 14 डेज हो जाएंगे, कुल मिला के 7 घंटे इंटू 8 आवर्स, 7 8 42, 7 8 42 ही होता है, नहीं 7 8 56 होता है, हाँ 7 8 56, 56 घंटे, 56 घंटे, मतलब कुल मिला के 55 से 60 आवर्स तुम्हें पर सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे। और सेकेंड टाइम रिविजन जब तुम करोगे तो सेकेंड टाइम रिविजन तुम्हारा 3 डेज का होना चाहिए, 10 से 12 घंटे ईच, 10 से 12 घंटे ईच, मतलब लगभग लगभग 30 आवर्स। तो 2 बार रिविजन करो, 2 बार रिविजन प्लान करो, 7 डेज 3 डेज। सर मैं दोनों ग्रुप प्लान कर रहा हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है, सर मैं 2 बार रिविजन प्लान नहीं कर सकता हूं, 2 बार तो करना पड़ेगा, फिर भले 7 दिन घटा के 5 दिन कर लो, पर 2 बार तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब दूसरी बार रिविजन करोगे तो तुम एग्जाम तुम्हारे करीब होंगे तो तुम्हें रिविजन चाहिए रहेगा। तुम्हें उस केस में हो सकता है तुम्हें 2 बार रिविजन करना है, सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा लोड है, तो 7 डेज के बजाय 5 डेज कर दो, 3 डेज के बजाय 2 दिन कर दो, बट 2 बार रिविजन करो, 2 बार रिविजन करो। अगर अभी रिविजन किया तो कम से कम 50 60 दिन बाद, 70 दिन बाद फिर से रिविजन करना पड़ जरूरी है। सेकेंड वाला, गिव मॉक टेस्ट एटलीस्ट वंस, मॉक टेस्ट एटलीस्ट वंस। जब तुम्हारा पहला रिविजन कवर हो जाए, पहला रिविजन कवर हो जाए, तुम्हारा रिविजन ही ऐसे प्लान होना चाहिए कि तुम उसके बाद झट से मॉक टेस्ट पेपर दे दोगे। तुम्हें मॉक टेस्ट पेपर देना ही चाहिए, और मॉक टेस्ट पेपर देने के बाद सोल्यूशन खुद मत चेक करो, प्रॉपर मॉक टेस्ट पेपर्स चेक करवाओ इंस्टीट्यूट के, तो या फिर अगर लगता है कि इंस्टीट्यूट से सही नहीं आ रहा, फीडबैक तुम्हें चाहिए, तुम्हें इवैल्यूएशन चाहिए, तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई गाइड करे, तो तुम टेस्ट सीरीज खरीद लो, कहीं से भी खरीद लो, कहीं से भी खरीद लो, बट मॉक टेस्ट एक बार मिनिमम फर्स्ट रिविजन के बाद दो। सेकेंड रिविजन के बाद मॉक टेस्ट देने का टाइम ही नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट रिविजन के बाद ही टाइम मिलेगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने बोला आईसीआई मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। रैंकर से सुनोगे तो तुम्हें वो दूसरी बात ये बोलेगा, पहली बात तो आईसीआई मेटल के बारे में बोलेगा, दूसरी बात बोलेगा कि मैंने ना कंसिस्टेंसी रखी, मैंने कोई भी दिन ये नहीं जाने दिया कि मैंने आज पढ़ाई नहीं की, या मैंने अपनी दिन जिंदगी के में इंपॉर्टेंट पर्पस डाल दिया कि मुझे मिनिमम दिन भर में 7 से 8 घंटे पढ़ने हैं, मतलब पढ़ने हैं कुछ भी हो जाए, तो बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। ऐसे नहीं कि 2 4 दिन पौशुषा ये वो पढ़ाई 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 15 15 घंटे, 4थे दिन बीमार हो गए, ऐसे नहीं, 8 घंटे पढ़ो, लगातार पढ़ो, कोई भी दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए, संडे तक वेस्ट नहीं होना चाहिए, आने वाले एग्जाम तक घर का कोई भी बड़ा इवेंट में शामिल होने की जरूरत नहीं है, जब तक मजबूरी ना हो, और अगर शामिल होना पड़ रहा है तो फिर अगले दिन का तुम्हारा टारगेट डबल होना चाहिए कि यार मेरे टाइम वेस्ट हुआ था, अब मैं इसको कवर करूं। सो बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज, ऐसे नहीं कि 4 दिन 5 दिन बहुत अच्छा पढ़ाई की फिर 2 दिन का ब्रेक ले लिया, बकवास, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बकवास, ये मत कर। चलो, तो ये सारी की सारी मेरी 6 प्रकार की मैंने तुम्हें बताया तरीके हैं, 6 प्रकार के मेरे सजेशंस हैं। अब इसके अलावा व्हाट आई कैन ऑफर यू इफ इफ यू आर वीक इन द सब्जेक्ट, इफ यू आर वीक इन द सब्जेक्ट, अगर तुम इफ तुम अगर सब्जेक्ट में वीक हो, तो अगर तुम क्लासेस सर्च कर रहे हो या तुम बुक्स कोई अच्छी सर्च कर रहे हो, तुम्हें कोई रिविजन लेक्चर चाहिए, व्हाट आई कैन ऑफर यू, सबसे पहले मैंने जैसा बताया क्वेश्चन बैंक कंपाइलर फॉर द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बुक नहीं खरीदनी, प्रैक्टिस करनी है, बुक नहीं खरीदनी, पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, आईसीआई की वेबसाइट पे जाओ, हर चीज डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो या बिना प्रिंट निकाले प्रैक्टिस करो। अगर लगता है कि 400 500 रुपए खर्च कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक कंपाइलर परचेज करो, क्वेश्चन बैंक कंपाइलर परचेज करो। दूसरा, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स के, जैसे पार्टनरशिप, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बाय बैक, बोनस,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन सबकी चार्ट बुक मेरी आती है, इन सबकी मेरी चार्ट बुक आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार की चार्ट बुक आती है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तुम्हारे कवर होंगे चार्ट बुक, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इस बार मैंने चार्ट बुक को रिवाइज किया है, इस बार मैंने चार्ट बुक को भी कुछ टॉपिक्स ऐड किए, जैसे मैंने बायबैक ऐड तो पहले से करके रखा था, जैसे मैंने इस बार पार्टनरशिप तक ऐड कर दिया, पार्टनरशिप ऐड किया है, प्रॉफिट लॉस, प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, हायर परचेज, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैंने रिविजन पे डाल दिए। पर ये चार्ट बुक तुम्हें काम कब आएगी, जब तुम सेकंड टाइम रिविजन करोगे, जब तुम्हारा पहली बार रिविजन हो चुका होगा, जब तुम्हें इंस्टेंट क्विक रिविजन चाहिए, तो तुम इस चार्ट बुक का उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना, उस टाइम पे तुम चार्ट बुक का उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा एएस लेक्चर, अगर तुम्हें लगता है कि तुम एएस में वीक हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में वीक हो, तुम्हें एएस पे काम करना है, मेरे सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लेक्चर्स आते हैं, बहुत ही सस्ते, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आते हैं, 1000 से 1500 की वैल्यू पे आते हैं, आप एएस के लेक्चर्स परचेज करो। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वी स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आपको 1000 रुपीज में पड़ेंगे, अगर वी स्मार्ट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट नहीं हो, कोई पहले कोर्स नहीं खरीदा, 1500 पड़ेंगे, हार्ड कॉपी बुक मिलेगी, साथ साथ आपको स्मार्ट जीनी बुक मिलेगी। स्मार्ट जीनी बुक क्या होती है, स्मार्ट जीनी बुक दिखा देता हूं मैं आपको, स्मार्ट जीनी बुक आपको इस टाइप से दिखेगी, हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की आपको ये बुक सॉफ्ट कॉपी में भी मिलेगी, और ये फ्रीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इस बुक के लिए तुम, अगर मेरे लेक्चर्स परचेज नहीं भी करने, हर एक कॉन्सेप्ट हर एक वीडियो के साइड में, हर एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साइड में प्ले वीडियो को बटन दिख रहा होगा, जैसे ही प्ले वीडियो क्लिक करोगे यहां पर मैं सामने आ जाऊंगा और वो टॉपिक पर्टिकुलर समझाना शुरू कर दूंगा। मतलब व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बुक, इसकी अगर, और ये बुक फ्री में अवेलेबल है, फ्री में, अगर पैसे खर्च नहीं भी करने तो आप ये बुक के लिए रजिस्ट्रेशन करो वेबसाइट पर जाके, स्मार्ट जीनी बुक आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में तकलीफ। अगर लगता है कि नहीं मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, मुझे लेक्चर्स प्रॉपर चाहिए, तो आप मेरे लेक्चर्स परचेज करो, 1000 रुपीज में मिल जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि इस बार रिजल्ट बहुत गंदा आया यार, मतलब बहुत दुख हुआ, रिजल्ट इस बार इतना अच्छा नहीं आया, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी अकाउंट्स की एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस आप लोगों के लिए 1500 रुपए में कर रहा हूँ विद पीडीएफ नोट्स। 1500 रुपए में आप अकाउंट्स की एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस ले सकते हो विद पीडीएफ नोट्स। अगर एडवांस अकाउंट्स की चाहिए तो एडवांस अकाउंट्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्पेशल 50 बैच लो, 7000 का बैच था बट मैंने इस बार कर दिया है उसको 3999 4000। तो अकाउंट्स का एग्जाम ओरिएंटेड बैच 1500 रुपए का है, और एडवांस अकाउंट्स का एग्जाम ओरिएंटेड बैच मतलब स्पेशल 50 बैच आपका 3999। जो मैं कर सकता हूं वो मैंने तुम्हें सब बता दिया। तुम्हें गाइडेंस चाहिए, तुम ये 6 के 6 पॉइंट समझ लो, तुम्हें मेरे से क्या चाहिए, तुम्हें मैं क्या ऑफर कर सकता हूं, तो मेरा क्वेश्चन बैंक कंपाइलर चार्ट बुक ये सब देख सकते हो। स्मार्ट जीनी बुक फ्री में अवेलेबल है वेबसाइट पर, वेबसाइट दिखा देता हूं मैं तुम्हें, वेबसाइट दिखा देता हूं, सामने वेबसाइट है, सीए इंटर के अंदर जाओ, सीए इंटर के अंदर जाओ, और सीए इंटर में अंदर जाके आप क्या करो, आप बुक सेल के अंदर जाओ और जय चावला फैकल्टी को सर्च करो, यहां आपको स्मार्ट जीनी बुक 0 रुपीज में मिल जाएगी, आप अपने आपका सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिटेल में कर सकते हो। इसके अलावा मेरे कंबाइंड बुक्स आप ले सकते हो, चार्ट बुक, क्वेश्चन बैंक कंपाइलर, ट्रम बुक, अगर आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन बैंक चाहिए तो इंडिविजुअल क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, चार्ट बुक इंडिविजुअल चाहिए तो वो अवेलेबल है, ट्रम बुक चाहिए तो वो अवेलेबल है, मतलब आप कर सकते हो। इसके अलावा बुक सेल हटा के आप एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स के अंदर जाओगे, आपको मेरे दोनों कोर्स दिख जाएंगे, अकाउंट्स का दिख जाएगा, देखो सामने प्राइस 1499, और आपको स्पेशल 50 दिख जाएगा 3999। अगर आपको और कुछ पूछना है, अगर आपको मेरे स्टाफ से बात करनी है रिगार्डिंग इंक्वायरी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा मेरी सेल्स टीम का, इंक्वायरी टीम का, अगर क्लासेस परचेज करनी हो। इसके अलावा मैंने आपको बोला है कि बेटा ये 6 पॉइंट्स बहुत जरूरी है, आईसीआई का मटेरियल खोट के पी जाओ, सब कुछ करके जाओ आईसीआई के मटेरियल से, ठीक है ना, और कंसिस्टेंट रहो। बाकी बातें तो बोली है बट ये दोनों बातें मैं सबसे प्राइम फोकस पे डाल रहा हूं कि आईसीआई का मटेरियल विद आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम पेपर्स और बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। बाकी चीजें सारी की सारी एक बार फिर से वीडियो देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना कि मैंने कौन सी ओवरऑल बातों पर फोकस किया है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके 75 मार्क्स से उससे ज्यादा डेफिनेटली आएंगे अगर आप सही तरीके से इन चीजों को फॉलो करो, राइट। थैंक यू वेरी मच गाइस, ये वीडियो सुनने के लिए, ये पूरा लेक्चर सुनने के लिए, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। एक और बात, मेरा एबीसी एनालिसिस जो मई 22 में था वही नवंबर 22 में रहेगा, ठीक है ना। तो एबीसी एनालिसिस तो मैं बोलता हूँ कि उन बच्चों के लिए होता है जिनको शॉर्टकट चाहिए होता है। मैं आपको बताऊं, आप 100% सिलेबस पर फोकस करो, सच्ची बता रहा हूँ, सभी को एक कैटेगरी मान लो, सभी पे फोकस करो, बहुत अच्छा मार्क्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। रिविजन के लिए मैंने आपको बता दिया कि कितने दिन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना और लाइक जरूर।